नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के हार के बारे में। तो हमारे साथ हमारे साथी भूषण जी भी हैं, जो कि कैमरे के पास रहते हैं, हमारी एडिटिंग टीम का हिस्सा रहते हैं और राजनीति से भी इनका जुड़ाव काफी बढ़िया है। तो भूषण जी, आप ये बताइए कि चुनाव जो है वो किसी भी देश में जब होता है तो आपको क्या लगता है कि आज का समय कितना बदल गया है, धन बल कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है आज के समय में? देखिए, धन बल जो इस्तेमाल होता है वो तो होता ही, और चुनाव में काफी सारे पार्टियां जुड़ती है एक साथ और कोई किसी पे भरोसा नहीं करती कि ये पार्टियां जीतेगी। और नाम ही है उम्मीदवार, यानी किसी के उम्मीद पर वार होगा और कोई उम्मीदवार जो है वो जीत जाएगा, जो जीता वो सिकंदर, जो वो पार्टी के पीछे चला जाता है या फिर राजनीति में अपने नए पत्ते तलाशने की कोशिश करता है। आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी जो है यहाँ पे अगर देखें, राजस्थान में हार गई, राजस्थान के बाद अगर आप बात करें बड़े स्टेट की तो छत्तीसगढ़ में वो हार गई। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जनता के जो जनता से वादे उन्होंने किए थे उसको पूरा नहीं कर पाई, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, या फिर 2019 में स्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी जब मोदी के लिए वोट करेंगे सभी राज्य के लोग, तो ये जो चुनाव का जो फैसला आया है ये उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, हार जीत का तो अगर पार्टियां उतरी है तो कोई हारता है कोई जीतता है, इससे तो कोई मतलब ज्यादा प्रभावित नहीं है। और बात की जो आप 2019 के बारे में, इस पे भी कोई प्रभावित बात ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही 2019 में सत्ता में जीत सकती है, कांग्रेस का भी पार्टी आ सकती है। और राजस्थान के जो सपोर्टर हैं उनको अपने दिमाग से अपने महागठबंधन अपने अंदर बनाए हैं, तभी ये बात हुआ है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी हारी है या छत्तीसगढ़ से हारी है। नहीं, नहीं, मध्य प्रदेश का तो अभी रिजल्ट वेटिंग है, देख लेते हैं मध्य प्रदेश का क्या होने वाला है जी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पे बड़े नाम थे वसुंधरा राजे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी, क्या लगता है इन चुनावों का परिणाम 2019 में आएगा? हल्का सा पड़ सकता है बीजेपी पे, ज्यादा तो नहीं पड़ेगा लेकिन हल्का सा ये पड़ेगा कि अगर सरकार वहां पे कोई काम पूरा नहीं कर सकी है तो उसके वजह से भी, तो उसको जनता के बीच अब लेके वो जाएंगे। आप अंत में मुझे ये बता दीजिए, राजनीति से बहुत ही गहरे तालुकात आप रखते हैं, राजनीति का अध्ययन भी करते हैं, राजनीति में गहरी दिलचस्पी भी है आपको जी। और आप मुझे ये बताइए कि 2019 का जब इलेक्शन होगा तो अब भाजपा जो है वो मोदी सहारे आगे बढ़ेगी या फिर जो है कुछ जमीनी हकीकत को तराशने की कोशिश करेगी? क्योंकि राज्य दर राज्य अगर भाजपा की स्थिति कमजोर होती है, जैसे कि बिहार में भी आपने देखा, बिहार में बहुत बड़े बड़े बातें की जा रही थी लेकिन रिजल्ट कुछ अलग आया था, तो क्या लगता है कि जमीनी मुद्दों की तरफ भाजपा लौटेगी या फिर हवा हवाई? नहीं, हवा हवाई और जमीनी मुद्दे पे कोई बात नहीं है ऐसी। ऐसी बात यह है कि जनता के ऊपर क्या प्रभावित है। अगर बीजेपी के सपोर्टर है जनता तो दे सकते हैं वोट, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मिल सकता है। और बीजेपी के बिहार की बात है तो 2019 में तो खुद ही पता चल जाएगा कि बीजेपी कहां। तो 2019 में क्या होगा इस पर बड़ी कवरेज हम लोग लेके आपके समक्ष हमेशा हाजिर रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ अमरेंद्र तिवारी न्यूज चैनल के साथ। इसे न्यूज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पे हम न्यूज की बातें कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी हमसे जुड़ सकता है साक्षात्कार के लिए या फिर किसी अन्य कारण से भी। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अपना फोन नंबर कमेंट बॉक्स में दें हमें, और अगले दिन अगले क्षण किसी भी समय कोई नया एपिसोड और आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी आपका हमारे शो पे आने के लिए। जी, धन्यवाद।